जालौन मेट्रो से मरिश्मी पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। गौशालाओं में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने वाले अधिकारियों पर चला कानूनी हंटर। जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने 7 ग्राम विकास अधिकारी तथा 3 ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन रोका। एक ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड किया गया। गौशालाओं के लिए नामित अधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वे कराने के बाद जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही। जिलाधिकारी की कार्यवाही के बाद मचा हड़कंप। बड़ी खबर आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो पर जालौन से, जहां गौशालाओं में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने वाले अधिकारियों पर अब कानूनी हंटर चल पड़ा है। जिलाधिकारी जालौन ने 7 ग्राम विकास अधिकारी और 3 ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। आपको बता दें, इसी मामले में एक ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। गौशालाओं के लिए नामित अधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वे कराने के बाद जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्यवाही की है। जिलाधिकारी की कार्यवाही के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जालौन से देवेश कुमार, स्वर्णकार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही गौशालाओं में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आज सख्ती देखी गई है। जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह द्वारा गौशालाओं के लिए नामित अधिकारियों द्वारा विभिन्न गौशालाओं का जो है उन्होंने निरीक्षण करवाया था। उसमें कई गौशालाओं में बहुत ज्यादा कमियां पाई गई। कई गौशालाएं व्यवस्था के अनुरूप जो है सही मानक पर खरीदी उतरती नहीं दिखाई दी। तो आज जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने 7 ग्राम विकास अधिकारियों तथा 3 ग्राम पंचायत अधिकारियों को उनका वेतन रोकने के आदेश दिए। साथ ही नदीगांव ग्राम जो विकास खंड है उसके ग्राम विकास अधिकारी हैं उनका जो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही गौशालाओं में अव्यवस्था के चलते नाराजगी जाहिर की है जिलाधिकारी जालौन ने। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौ वंशों के संरक्षण के लिए प्रदेश स्तर पर जो है प्रदेश में जो है गांव तक गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है और गौवंशों को संरक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एक दिशा निर्देश और भी जारी किए थे कि कोई भी गौवंश बाहर ना दिखाई दे या गौवंशों की रक्षा में कोई कमी किसी प्रकार की ना रहे। लेकिन अधिकारियों द्वारा या जिम्मेदार जो हैं इसके लिए उनके द्वारा आज जो है अपने कार्यों के प्रति शिथिलता बरतने और लापरवाही बरतने के कारण जो है बहुत सारी गौशालाओं में अव्यवस्था देखी गई है। तो आज जिलाधिकारी जालौन का पारा चढ़ा है और उन्होंने 7 जो है ग्राम विकास अधिकारी हैं और 3 ग्राम पंचायत अधिकारी हैं इनका वेतन रोकने का आदेश दिया है। साथ ही नदीगांव जो है ब्लॉक के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके ऊपर जो आरोप यह था कि उन्होंने उनकी जो दो गौशालाएं हैं वहां पर व्यवस्था सही नहीं पाई गई और उनकी लापरवाही सामने आई है, लिहाजा उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।